कि इन इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे जो इनको हम कह रहे हैं इनकी डिसेबिलिटीज के मुखलिफ़ु के जो ग्रुप्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हम इनको इनकी एजुकेशन को प्लेस कर सकते हैं और इनको घर के अंदर जो है डील कर सकते हैं आ, हम ये समझते हैं कि एकेडमिकली जिनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं वो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं अब बाज़ात वो बच्चे जो फ़ेल हो जाते हैं आप समझते हैं कि इनकी पुअर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से ये फ़ेल हो गए हैं तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एकेडमिकली अगर रिकॉर्ड से आप अंदाज़ा लगाते हैं कि कोई कितना इंटेलिजेंट है और कितनी उसकी कोई डिसेबिलिटी है तो बात ये रिकॉर्ड्स आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि इन रिकॉर्ड्स में हमने देखा है कि बहुत नामवर शख्सियात जिनमें मैं एक नाम लेती हूँ आइंस्टाइन का और इनको स्कूल्स में जो है आम बच्चों के साथ जब पढ़ाया गया तो कुछ अर्से के बाद स्कूल ने बार बार फेल होने की वजह से इनको स्कूल से निकाला अब उसके बाद देखिए उसने जो ख़ुद से ज्वाइन किया और एक्सपेरिमेंट्स किए तो कितना उसका नाम बना मतलब उसकी इंटेलिजेंस जो थी वो तो कहीं नहीं गई उसको अंडरस्टैंड करने में स्कूल ने गलती की टीचर्स ने गलती की अभी भी हम यही गलतियां कर रहे हैं तो इसलिए एकेडमिक रिकॉर्ड्स जो हैं वो बाज़ात बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से उनकी बच्चों की परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब हो सकती है तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को हम चेक कर सकते हैं किसी इंटेलिजेंस टेस्ट के साथ डायग्नोस कर सकते हैं उसको हम देख सकते हैं उन इंडिकेटर्स की मदद से जो टेस्ट में दिए होते हैं कि इस बच्चे की जो इंटेलिजेंस है वो किस यार्ड स्टिक पर कितनी आ रही है तो उसका लेवल भी वहाँ से हम उसको जो है वो प्रॉपर साइंटिफिकली जो है वो फाइंड कर सकते हैं तो पहली चीज़ तो ये है कि इनकी आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए अच्छा इन बच्चों में क्या क्या ये सिम्टम्स होती हैं एग्रेशन इनका पीक पे होता है और बाज़ मॉड मौ, एग्रेशन के साथ भी होते हैं एग्रेशन इस वजह से होता है क्योंकि ये वो तमाम टास्क और काम नहीं कर सकते उस तरीके से जिस तरीके से आम बच्चे कर रहे होते हैं तो जब ये अपने आप को कंपेयर करते हैं उनके साथ तो फिर इनके अंदर जो है वो गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो इसलिए उस फिर ये एग्रेशन शो करते हैं और अगर इनको इग्नोर किया जाए और ये समझ के कि ये तो आम बच्चों जैसे हैं नहीं तो फिर ये और ज़्यादा एग्रेशन शो करते हैं नंबर एक दूसरा इनकी कुछ फिज़िकल कंडीशंस की वजह से भी इनका एग्रेशन ज़्यादा हो सकता है कुछ वाइटमिनस की कमी ज़्यादती इस तरह से भी कोई चीज़ें जो हैं क्रिएट कर सकती हैं उसके बाद डिपेंडेंसी है कि इन बच्चों की अगर वो स्वियर और प्रोफाउंड लेवल में हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के तो फिर ये इंडिपेंडेंटली ना तो ये घर से बाहर जा सकते हैं ना ही इंडिपेंडेंटली कोई काम कर सकते हैं तो इसलिए फिर इनकी इनकी डिपेंडेंसी हो जाती है दूसरे किसी ना किसी घर के फ़र्द के साथ या स्कूल में किसी न किसी उसके केयर टेकर के साथ तो एक तो इसकी ज़रूरत है कि इनको बिल्कुल अकेला जो है इंडिपेंडेंटली काम की इजाज़त ना दें वरना ये ख़ुद को भी हर्ट कर सकते हैं घर का कोई नुकसान कर सकते हैं बच्चों को हर्ट कर सकते हैं तो इसलिए इनकी क्लोज़ मॉनिटरिंग जो है वो बड़ी ज़रूरी है फिर विदड्रॉल फ्राम सोशल एक्टिविटीज़ जब ये बच्चों के साथ मिलके खेलते हैं तो चूंकि ये उस तरह भाग नहीं सकते उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते तो बच्चे इनको अपने ग्रुप से बाहर निकाल देते हैं उस वजह से भी ये बड़े डिप्रेस होते हैं और इनके अंदर एनजाइटी आती है कि मुझे इन्होंने बाहर निकाल दिया मुझे ये अच्छा नहीं समझते ये भी उनके अंदर एग्रेशन काफ़ी जो है वो वक्रीज़ करती है उसके बाद अटेंशन सीकिंग बिहेवियर जब ये देखते हैं कि हमें घर वाले बड़ा खास अटेंशन दे रहे हैं तो फिर ये बाज़ात जान बूझ के भी इस तरह की हरकत करते हैं कि ताकि पेरेंट्स हर वक्त जो है वो इनकी तरफ अटेंशन दें हम हाँ हमें कह सकते हैं मेरे पेट में दर्द हो रही है मेरे सर में दर्द हो रही है बाज़ात ये इस किस्म की बात भी करते हैं लेकिन समटाइम्स जो है वो इनको वाकई ज़रूरत भी होती है अटेंशन की तो ये सिम्टम्स हैं इनकी उसके बाद डिप्रेशन ड्यूरिंग अडोलसेंट एंड टीन ईयर्स अच्छा अब डिप्रेशन के रीज़न इनकी मैंने एक ये बता रही हूँ कि जैसे प्योबरटी का टाइम है तो अगर प्योबरटी की एज को पहुँच गए हैं तो उस वक़्त बच्चे जो हैं वो बड़े उस वक्त एग्रेसिव नॉर्मल बच्चे भी हुए होते हैं तो इनके अंदर भी प्यूबरटी की जब स्टेज आती है तो इनकी एग्रेशन जो है वो डबल हो जाती है और ये उस वक़्त ज़्यादा जो है वो घर वालों को और स्कूल को तंग करना शुरू कर देते हैं ये भी एक सिम्टम को टीचर को अंडरस्टैंड करना चाहिए और पेरेंट्स को भी लैक ऑफ इम्पल्स कंट्रोल इनको अपनी जो इम्पल्स होती हैं इनकी और उस पर जो डिज़ायर्स हैं उसके ऊपर इनका कंट्रोल नहीं है अभी इनका खाने को दिल चाह रहा है तो आप इनको इतनी सी चीज़ दे रहे हैं लेकिन ये उसको तीन गुना ज़्यादा खाना चाह रहे हैं और बाजुकात जो है वो एक हाथ धोने गए हैं तो हाथ धोने में भी घंटा लगाएंगे और जो भी ये काम करते हैं उसको बाजुकात उसी काम के ऊपर इनका माइंड स्ट्रक हो जाता है और ये कंटिन्यूसली वही काम करते रहते हैं तो इनको अपनी इंपल्स के ऊपर बाजुकात कंट्रोल जो है वो नहीं होता फिर पैसिविटी है कोई काम ये करना नहीं चाहते और बड़े हर काम में जो है लेज़ीनेस और स्लगिशनेस का मुहिरा करते हैं और सेल्फ इंजरी की तरफ इनकी टेंडेंसी होती है स्टबननेस है ये आपकी बात को रूडली रिफ्यूज़ कर देंगे और अपने आप को कोई ना कोई नुकसान पहुंचा लेते हैं उससे इन्जॉय भी ये करते हैं तो इस तरह की कुछ कंडीशन और सिम्टम्स हैं जिसके साथ हम इंटेलेक्चुअल डिसबल बच्चे जो हैं उनके लेवल्स को और उनकी मेंटल कंडीशन को अच्छी तरह से जान सकते हैं